नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीएसएससी ने पहली इंटर लेवल प्रतियोगिता के टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार में एक साथ 139 पुलिस कर्मियों को कर दिया गया सस्पेंड। बिहार में आतंकवादी गतिविधि को लेकर किया गया हाई अलर्ट। 21 जुलाई को देशवासी मनाएंगे बकरीद का त्योहार। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीएसएससी ने पहले इंटर लेवल प्रतियोगिता की टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पहले इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 2014 के लिए होने वाले टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in या फिर bssc.bihar.gov.in पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रमशः उसका अपना रोल नंबर और जन्मतिथि ही है। बताते चले कि बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट कल 13 जुलाई से 17 जुलाई तक होगा। इसमें कुल 45,758 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालकर टेस्ट सेंटर पर साथ लेकर जाना है। इसके साथ ही एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर जाना है। बिहार में आतंकवादी गतिविधि को लेकर किया गया हाई अलर्ट। बिहार से सटे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद बिहार पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में सभी जिलों के रेलवे स्टेशनों को अलर्ट रहने को कहा गया है, जहां उनके इलाके में आने जाने वाली ट्रेनों, प्लेटफार्मों, पार्सल घरों, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल सहित अन्य संवेदनशील जगहों की जांच व यात्रियों की तलाशी लेने का भी करा निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि लखनऊ में अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके यहां से बम विस्फोट जैसे सामग्री मिले। वहीं कुछ दिन पहले बिहार के दरभंगा में भी ट्रेन के पार्सल बोगी में ब्लास्ट होने का मामला सामने आया था। वहीं बांका में भी मदरसे में विस्फोट हुआ था। ऐसे में पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है। 21 जुलाई को देशवासी मनाएंगे बकरीद का त्यौहार। कुर्बानी का पर्व और मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख त्यौहार बकरीद अब 21 जुलाई को मनाया जाएगा। बीते दिन रविवार को चांद का दीदार कई हिस्सों में हुआ, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। बकरीद को लेकर तारीखों में संशय बना हुआ था, मगर बिहार, झारखंड और ओडिशा के मुसलमानों की सबसे बड़ी इदारा इमारत शरिया के कार्यवाहक व प्रबंधन समिति के मौलानाओं ने बताया कि देश के कई हिस्सों में चांद का दीदार हुआ है, लिहाजा बकरीद का त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। इसके साथ ही इदारों ने लोगों से बकरीद की नमाज अदा करने के लिए सरकारी गाइडलाइंस का ख्याल रखने की अपील करते हुए पर्व को मनाने की अपील की है। साथ ही साथ कुर्बानी पर्व की मुबारकबाद भी लोगों को पेश की है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन बीते दिन रविवार से ही शुरू हो चुकी है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी। बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों के 9वीं में पढ़ाई करने वाले छात्र ही अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए छात्र की आयु कम से कम 14 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसके लिए ₹320 शुल्क निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्वतंत्र कोटि के छात्र को ₹450 देने होंगे। एक बार पंजीयन कराने पर छात्र 3 बार परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com से स्कूल के प्राचार्य फॉर्म डाउनलोड करेंगे और छात्रों को मुहैया कराएंगे, जिसके बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बिहार में एक साथ 139 पुलिस कर्मियों को कर दिया गया सस्पेंड। एक पुराने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में एक साथ 139 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को निलंबित करने का फैसला पहली बार हुआ है। दरअसल साल 2018 में पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही की बीमारी से मौत हो जाने के बाद इन सभी पुलिस कर्मियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी किया था, जिसके बाद तत्कालीन SSP मनु महाराज ने 185 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद इन पुलिस कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर कोर्ट ने सुनवाई कर उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। आदेश के 2 दिन पहले ही 185 में से 139 पुलिस जवानों ने ड्यूटी को ज्वाइन भी किया था, मगर बीते दिन रविवार को ही इन सभी 139 पुलिस जवानों को SSP उपेंद्र शर्मा ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही साथ इन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में गुंजा संविदा कर्मियों को नौकरी से निकालने का मामला। बिहार में 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है।
आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायतों का पिटारा लिए फरियादियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहीं इस दौरान संविदा पर बहाल हुए लोगों को नौकरी से निकालने की शिकायत लेकर एक शख्स पहुंच पड़ा। उसने शिकायत रखी कि बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर नाइट गार्ड की नौकरी करने के दौरान हड़ताल पर जाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके साथ हटाए गए दूसरे लोगों को वापस नौकरी पर रख लिया गया था। इसके साथ ही संविदा कर्मियों से जुड़े कई मामले मिले, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसे अधिकारी गंभीरता से लेते हुए जल्द शिकायतों का निवारण करें। पीएम केयर्स फंड के नाम से ठगी करने वाले शातिर पटना से हुए गिरफ्तार। बिहार में आए दिन साइबर ठगी का मामला बढ़ता जा रहा है। साइबर ठगों में पीएम केयर्स फंड के नाम पर जालसाजी अब की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से दो शातिरों को पकड़ा है, जिसकी निशानदेही पर आगे दिल्ली पुलिस अन्य शातिरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए शातिरों द्वारा पीएम केयर्स फंड के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर कई लोगों से ठगी की गई है। मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल मुसल्लहपुर से राकेश कुमार और पटना सिटी से छपरा निवासी समीम खान को पकड़ा है। दोनों के पास से कुछ अहम दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद एक अन्य ठगबाज की भी तलाश पटना में की जा रही है, जबकि दो का लोकेशन बिहार के दूसरे जिले में मिला है। बिहार में छुट्टी मनाने पहुंचे मशहूर बॉलीवुड कलाकार पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी गोपालगंज में अपने पैतृक गांव बरेली के बेलसंड में आए हैं, जहां वे परिजनों के साथ हैं। वे शनिवार को ही यहां पहुंचे थे, जिसके बाद अतिथि भवन में डीएम नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार और सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने उन्हें थावे महोत्सव का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान पंकज त्रिपाठी के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। बताते चले कि माया नगरी में काम करने के बावजूद भी उनके दिल में बिहार अब भी बसा है और उनका अपने गांव और शहर से कनेक्शन है और यहां उन्हें सुकून मिलता है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म मिमी है, इसमें उनका बेहतरीन किरदार है। अपकमिंग फिल्म मिमी इस माह के अंतिम सप्ताह में वेब सीरीज पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर यात्रियों ने ट्रेन को रोककर किया हंगामा। देश भर में कोरोना काल में ट्रेनों पर भी सुरक्षा के नजरिए से लॉकडाउन लगाना पड़ा, ताकि यात्राएं को रोककर वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि अब कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पर आ रही हैं। ऐसे में यात्राएं भी पहले की तरह धीरे धीरे बहाल हो रही है, मगर कई पैसेंजर ट्रेन अब भी नहीं चलाए जा रहे हैं, जिससे परेशान ट्रेन यात्रियों ने पटना दिल्ली मार्ग पर ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यात्रियों ने वैक्यूम काटकर रेलवे ट्रैक को जाम भी कर दिया। वहीं लोगों की मांग है कि सरकारी और निजी दफ्तर खोल दिए गए हैं तो लोकल ट्रेनों को भी चलाना शुरू करना चाहिए। इस दौरान यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से सुबह और शाम में एक और लोकल ट्रेन को शुरू करने की मांग की। बाद में पुलिस और रेलवे प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। आरजेडी नेता ने कही चिराग पासवान के राजद से मिलने पर सहमति बनने की बात। चिराग पासवान की लोजपा में आंतरिक कलह और टूट होने के बाद से ही बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद खुलेआम चिराग को पार्टी में शामिल होने को लेकर ऑफर कर रही है। वही अब राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद चर्चा और तेज हो गई है। दो दिन पहले ही राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। वहीं श्याम रजक ने इस मुलाकात के बाद बयान दिया कि महागठबंधन में साथ आने के लिए चिराग पासवान और राजद के बीच सहमति बन चुकी है, बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। जिसके बाद से ही इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि लालू और तेजस्वी के साथ बहुत जल्द चिराग पासवान की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। गौरतलब है कि चिराग पासवान अभी दिल्ली में ही हैं और 16 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण बिहार में शुरू करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा थाम सकते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन। भाजपा से कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबर उनके नजदीकी सूत्रों से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल में ही कुछ ट्वीट्स के कारण उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे थे, मगर सिन्हा ने उन बातों का खंडन किया। वहीं सूत्र के अनुसार कोलकाता में तृणमूल नेताओं के एक समूह का कहना है कि वह इस संबंध में सिन्हा से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के संबंध बनर्जी के साथ हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। साथ ही कहा कि 21 जुलाई को शहीद दिवस के दिन उनके टीएमसी में शामिल होने की पूरी संभावना है। हालांकि इस संबंध में जब कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाएं तलाशने की एक कला है। 16 जुलाई से चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण होगा शुरू। लोजपा सांसद चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के पहले चरण के बाद 16 जुलाई से फिर से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा की पूर्व तैयारी के लिए पटना में स्थित चिराग के आवास पर लोजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जहां पर आशीर्वाद यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई। हालांकि इस बैठक में खुद चिराग पासवान शामिल नहीं थे, क्योंकि वे फिलहाल दिल्ली में हैं। इस चरण में 16 जुलाई से अब विभिन्न जिलों से होकर यह यात्रा गुजरेगी।
इसे लेकर पूर्णिया, कटिहार और अररिया के कई क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि आशीर्वाद यात्रा के पहले चरण में हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया सहित अन्य क्षेत्रों की जनता का अपार प्यार मिला है। इसे लेकर उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया है। जदयू की नवगठित प्रदेश कमेटी की बैठक इस हफ्ते होगी आयोजित। जनता दल यूनाइटेड की नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। यह बैठक ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसमें जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी शामिल होंगे। बताते चले कि नई कमेटी बनने के बाद से अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, इसी को केंद्र में रखकर यह बैठक बुलाई जा रही है। इस बारे में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि यह पहली बैठक है जब से नई कमेटी का गठन हुआ है, इसलिए इसे लेकर किसी एजेंडा पर बैठक नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में पार्टी के अभियानों को लेकर चर्चा की जाएगी। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। सुरेश रैना ने कोहली के आईपीएल और आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतने पर दिया बयान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब गंवाने के बाद से विराट कोहली अपनी कप्तानी को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। वहीं आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार के बाद विराट को कप्तानी से हटाने की भी मांग की जा रही है। इस बीच विराट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कई साल खेल चुके भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी कोहली की कप्तानी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज 24 स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान सुरेश रैना ने कहा कि कोहली नंबर वन कप्तान है, उन्होंने काफी कुछ हासिल किया और मेरे मुताबिक वह दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ट्रॉफी ही नहीं, कोहली ने अभी तक आईपीएल तक नहीं जीता है। रैना ने कहा कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक के बाद एक लगातार 2 से 3 वर्ल्ड कप होने हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप और 1 50 ओवर विश्व कप। फाइनल तक पहुंचना आसान नहीं होता, कभी कभी आप कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में आई कमी। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 724 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 39,649 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,50,899 हो गई है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 136 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 157 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 844 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.55% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार अगर आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हिस्सा लेते हैं तो आप कौन सी शिकायत रखना चाहेंगे। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।